हाँ इधर देखो पार्टिसिपेंट 39 दिखा रहा है, जो जो नहीं है फोन करो, तो फोन लगाओ फ्रेंड्स को, बोलो अभी ज्वाइन करने के लिए, पता नहीं उन लोगों को पता है कि नहीं है, फोन करो फोन करो, देख लो कौन कौन नहीं है जल्दी, क्योंकि स्टार्ट करना होगा ना तो उन लोगों के लिए हमें देर हो रहा है, देख लो कौन कौन नहीं है और ग्रुप में से फोन करो, ग्रुप में तो तुम लोगों का फोन नंबर है, एक मिनट और देख लो आ रहा है तो सभी, 141 हुआ है अभी, सभी लोग नहीं रहेंगे तो स्टार्ट करके फायदा नहीं है, क्योंकि उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चलेगा उसके बाद। नहीं तो फोन लगाओ, देखो और भी चार होगा, कौन कौन चार नहीं है फोन लगाओ। पार्टिसिपेंट लिस्ट देखो फोन करो, अब बोलो मैम ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, अब क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है अभी तक। जोइता शेन देखो तो नाम है उसका, पार्टिसिपेंट लिस्ट में जोइता है? यस मैम। जोइता हो तुम? Joita, why are you not answering if you are here? फोन करो फोन करो, बाकी पांच पांच होगा, टोटल तो 46 होना है मुझे लेके, बाकी कौन कौन नहीं है? कौन कौन नहीं है नाम बताओ तो। उदयन व्हाई आर यू लेट? उदयन चौधरी व्हाई आर यू लेट? मैम आई वाज आउटसाइड। आउटसाइड? यस मैम। सो यू नो दैट इन एनी टाइम इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन आई गिव द नोटिस एंड यू हैव टू जॉइन द क्लासेस, दीज आर ऑल एक्स्ट्रा क्लासेस, ओके? सो यू शुड नो अबाउट द टाइमिंग। और फोन करो सभी, फोन लगाओ, उदयन फोन करो, देखो कौन कौन नहीं आया है ग्रुप में से, फोन करो नहीं तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे, कौन नहीं आया फाइंड आउट करो, फोन करो। मनीष तुम हो इधर? यस मैम। शोभन नायक आर यू हियर? शोभन तुम हो इधर? देखो तो शोभन है या नहीं है। शोभन नहीं है? है या नहीं है? नहीं है मैम। और कौन नहीं है? कुणाल केश हो तुम इधर? कुणाल तुम इधर हो? সুমিত আর ইউ হিয়ার? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ তুমি দেখো কে কে আসেনি, দেখো কে কে নেই এখানে, দেখো ফোন করো ফোন করো, বন্ধুদের খুঁজে ফোন করো, কে কে নেই নামগুলো বলো তো। ম্যাম শোভন নেই। কোন নেই? শোভন নায়ক। হ্যাঁ শোভন নেই হ্যাঁ, আর উসকে বাদ
और कौन नहीं, कौन नहीं है बोलो। प्रणय गुप्ता यू आर यू हियर? नंदिनी आर यू हियर? यस मैम। तुम कॉल ही कर रहे हैं, चलो पता चल जाएगा। ये काज को डोंट वेस्ट टाइम। मैम अरबाज हुसैन नहीं है। अरबाज को फोन लगाए हो ग्रुप में से? नो मैम, अभी बस चेक कर रहे थे कौन कौन नहीं है। तो फोन करो, फोन करो, अरबाज को फोन लगाओ। इन लोगों का पूरा मार्क्स हम काट देंगे, देखो इतना कम मार्क्स जाएगा ना। अनिश आवाज को देखो तो, अनिश आवाज हो तुम इधर? अनिश मैम अरवाज नॉट रिसीविंग द फोन। नॉट रिसीविंग फोन? नो मैम। मैम कुणाल भी फोन नहीं उठा रहा। कुणाल भी नहीं उठा रहा। थोड़ा रुक जाओ क्योंकि ये हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो नया कोई हम देख रहे हैं। रुको थोड़ा,
मैम हाँ बोलो मैम पार्डन मी बट आई थिंक यू शुड स्टार्ट मैम हाँ बोलो मैम मैम आई थिंक यू शुड स्टार्ट द क्लास because then we will not get another extra class timing ma'am tomorrow. I have to also think about all the students not only you are on my class because they will understand that nothing after the next portion then what will happen ma'am these videos are uploaded in the AC site ma'am so they can use it that this video is not uploaded this video that is PPT video is uploaded there But this is in which method I am teaching, this is not uploaded there. Will you get this from there? Then it will not be available. Then? Ma'am, we have YouTube channel and there we upload this. Yes, ma'am, Pranay, upload. Yes, ma'am. Pranay uploads this video. So in every class, if Pranay uploads this video, then send me the link of that video in YouTube. Okay, okay ma'am. From the next class, send me the video link. Understand? Okay. Then okay. Then no problem. But you are not sending in group that link. Then how I will understand? Are you sending this in your group? You send it in your group. Okay. Okay. Then okay. No problem. But I have to roll call. Kunal, are you here? Yes, ma'am. So I was phoning you and you cut my phone. Why? Ma'am, that is auto blocked. So unknown numbers are blocked. Unknown numbers are blocked. Yes, it was so ma'am. Important that unknown numbers are blocked. Ma'am, I have to change the settings. I bought a new phone, so that's the problem. Unknown number that may be important for you. Yes, ma'am. I have to change the setting. I have no such restriction in my phone, but it is in your phone. I have bought a new phone, so. The new phone, in new phone, no restrictions are there. You have imposed one in restriction there. Roll number one. Yes, ma'am. Two. Present, ma'am. Three. Present, ma'am. Four. Present, ma'am. Five. Roll number five. Absent. Six. Present, ma'am. Seven. Present, ma'am. Eight. Present, ma'am. Nine. Present, ma'am. Ten. Present, ma'am. 11. Present, ma'am. 12. Present, ma'am. 13. Present, ma'am. 14. 14 present. 15. Present, ma'am. 16. Present, ma'am. 17. Present, ma'am. 18. Present, ma'am. 19. Present, ma'am. 20. Present, ma'am. 21. Present, ma'am. 22. 22. Roll number 22. Present or absent? Roll number 22. Absent. 23. Present, ma'am. 24. Present, ma'am. 25.
प्रेजेंट मैम 26 27 प्रेजेंट मैम 28 प्रेजेंट मैम 29 प्रेजेंट मैम 30 प्रेजेंट मैम 31 प्रेजेंट मैम 32 32 रोल नंबर 32 33 प्रेजेंट मैम 34 प्रेजेंट मैम 35 मैम 36 प्रेजेंट मैम 37 प्रेजेंट मैम 38 प्रेजेंट मैम 39 प्रेजेंट मैम 40 प्रेजेंट मैम 41 41 रोल नंबर 41 42 यस मैम 42 इज 42 मैम आई एम 42 प्रेजेंट मैम 43 प्रेजेंट मैम 44 22 इज प्रेजेंट 41 42 बोथ आर प्रेजेंट यस मैम 43 प्रेजेंट मैम 44 44 रोल नंबर 44 मनीष व्हाट इज योर रोल नंबर मनीष 45 सो रोल नंबर 5 रोल नंबर 32 एंड रोल नंबर 45 दे आर एब्सेंट फॉर टुडे थ्री रोल नंबर्स And if I can contact Shobhan Nayak, then in the phone, Shobhan Nayak can call, tell him to join. You have the phone number? Ma'am, Google form mein bhi attendance dena hoga kya? Haan, Google form mein attendance do. After the class, give the attendance. Okay, ma'am. And tell if roll number 5, 32 and 45, they are absent. 5 who is 5 I don't know I have to check 32 and 45 absent with these roll numbers are absent if you can inform the those students 5 32 and 45 and ask them to join
today I will start Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation. So if any particle has wave property, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if any particle has wave property, then there should be some sort of wave equation. Okay. And Schrodinger developed that equation. Now there are two types of Schrodinger wave equation. One is time dependent Schrodinger wave equation and another is time independent Schrodinger wave equation. So time dependent Schrodinger wave equation, I am just writing first. What is time dependent Schrodinger wave equation? Let me derive, otherwise you will not understand how it is coming. So the expression that you know, what is E, energy, what is the total energy operator? Tell me. E hat? Cross. IH cross? Then? What is this? This is total energy operator. Okay? Is it? This is the total energy operator. Now, I'm coming to the next page. Now, the kinetic energy is what? P square by 2m. I am writing one dimensionally. Okay. Kinetic energy Px square by 2m. So what is kinetic energy? So total energy E equal to what? Kinetic energy minus what? Potential energy. Okay. So total energy equal to kinetic energy plus potential energy. So what is kinetic energy from here? Minus h cross square. Total energy minus potential energy. Understand? Total energy minus potential energy. Is it? Yes, ma'am. Okay. So, total energy E equal to what? How I can write? Px square by 2m, that is kinetic energy. Plus what? Potential energy? Is it? Total energy. E is the total energy. So, total energy E is the total energy equal to kinetic energy plus potential energy. So, what is the value of Px square by 2m from here? What is the value? Okay. What is the value of... What is the value of Px square by 2m? About sound aa raha hai. E minus Vx. Mute karo apna phone ko. E minus Vxt. E minus Vxt. What is this? This is kinetic energy. Px square by 2m equal to E minus Vxt. So what is this? E is the total energy and Vxt is the potential energy. V is the potential energy. So it is the total energy. So Px square by 2m. So I will start from this portion. Okay. Now next. We know that is kinetic energy equal to what? Just a minute. E equal to IH cross del del T. Understand? IH cross E equal to IH cross del del T. That is your total energy. Again, E. Both are the operator forms. E equal to what? Px square by 2m plus V operator xt. That is the potential energy.
So again, this equal to this. Understand? So E equal to this and also E equal to this. So what we can write? If I take a psi from both sides, then what I will write? If I take psi here, if I take psi here and also if I take psi here, then what I will write? Say, anyone? IH cross del psi by del t. Psi is a function of xt. Then what I will write? Here also? What I will write? That is the total energy, E hat. E hat is the total energy, that is I h cross del del t, that I have written. And also the total energy equal to kinetic energy plus potential energy. I'm taking both sides, psi. So what I will write in the right hand side? Anyone tell me? Psi lo, kya hoga, bolo. समझ में नहीं आ रहा है? Am I audible? Ma'am. हाँ. Ma'am, Shobhan wants to join. Okay, I have joined. So here. So come here. So in right hand side, what I will write? These two are equal. In left hand side, I have taken psi. So right hand side, what I have to take? Psi, then what I will write? Tell anyone. Samajh mein nahi aa raha hai kisi ko? Then I will stop this class. Bolo kya likhenge? Psi leke bolo. Pata nahi tum logo ke dimaag pe kya hai. Mujhe kuch bhi pata nahi. Am I audible or not? Yes, ma'am. तो ये समझ में नहीं आया, इसके साथ एक साई पुट करना है और इसके साथ एक साई पुट करना है. आई एच क्रॉस डेल डेल टी के साथ हम एक साई पुट कर दिए, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि राइट हैंड साइड में इसके साथ एक साई लिख कर और इसके साथ एक साई लिख कर. तब जानते हो ये व्हाइट बोर्ड कैलकुलेशन हम बंद कर देंगे. तुम लोगों के पास पीपीटी है, तुम लोग ऐसे भी समझ में नहीं आएगा तो क्या फायदा क्या है बोल के. अभी बोलो ये जो टर्म है इसका वैल्यू हमें हम पुट करेंगे. समझ में आया इतना तक? नहीं आया? कोई नहीं बोलोगे तो हम क्लास अभी स्टॉप कर देंगे. यस मैम. ये बोलो, कोई एक बोलो, ये क्या है? ये क्या है? क्या ऑपरेटर है ये? टोटल एनर्जी ऑपरेटर. टोटल एनर्जी ऑपरेटर. और ये क्या है? ये टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो ये तो दोनों सेम है या नहीं है? ये ही और ये ही दोनों सेम है या नहीं है? यस मैम, सेम है मैम. हाँ, तो दोनों सेम है, तो ये इक्वल टू ये लिखो, लिख सकते हो कि इसको आई एच क्रॉस डेल डेल टी इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस बी एक्स टी लिख सकते हो. अभी दोनों तरफ से साई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? ये होगा साई, दोनों तरफ से साई लिया गया है. ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, उसके बाद दोनों तरफ से साई लिखा गया है. इधर भी साई लिखे, सभी के साथ साई लिख दिया है. अभी नेक्स्ट में जा रहे हैं. अभी देखो नेक्स्ट पे हम जा रहे हैं. क्या था लेफ्ट हैंड साइड पे बोलो? आई एच क्रॉस डेल डेल टी साइज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी. अच्छा, पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम के जगह पे क्या लिखेंगे बोलो? पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम एक काइनेटिक एनर्जी है, इसका ऑपरेटर फॉर्म क्या है? माइनस एस क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर वन डायमेंशन. माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर देन साई एक्स टी. ठीक है, उसके साथ क्या रहा? वी एक्स टी साई एक्स टी.
हाँ ठीक है, समझ में आया? तो ये हुआ, ये जो है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वाइब इक्वेशन इन वन डायमेंशन, क्या है ये बोलो? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डी, व्हाट इज दिस? दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। व्हाट इज दिस फॉर्म इक्वेशन? आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी साइज फंक्शन ऑफ एक्स टी इक्वल टू व्हाट? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस वी एक्स टी प्लस साई एक्स टी। सो दिस इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, समझ में आया? ये एमसीक्यू में दिया जा सकता है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन सा चीज है? तो तुम इधर से ये इक्वेशन याद में नहीं रहा तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दोनों तरफ होता, दोनों टाइप का होता है, एक टाइम डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन प्रूव हो गया। कहां से हम प्रूव करें? फिर से आ रहे एनर्जी ऑपरेटर, वी नो टोटल एनर्जी इक्वल टू आई क्रॉस डेल डेल टी। अनदर वे वी कैन रिप्रेस एनर्जी एज दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बी के ऊपर हेड भी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि बी हेड और बी सेम है और ये दोनों टोटल एनर्जी है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। दिस इक्वल टू दिस, उसके बाद दोनों तरफ से साई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा। साई से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद हम क्या किए, पी एक्स स्क्वायर बाय टू एम का जो फॉर्म है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम ये पुट कर दिए इधर, तो ये हो गया टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अभी बोलो फ्री पार्टिकल होगा, पार्टिकल फ्री पार्टिकल होगा, फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बोलो कोई, फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पता नहीं है किसी को भी? वी हैट आर टी। फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी होता है या नहीं होता है? जीरो। तो वी हैट आर टी कहां से आया? तो ये पोर्शन क्या होगा फ्री पार्टिकल के लिए? वी जीरो हो जाएगा। तो फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगा बोलो? आई एच हैट डेल साई एक्स टी बाय डेल टी इक्वल टू माइनस एच हैट स्क्वायर बाय टू एम डेल साई बाय डेल टी साइज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी इक्वल टू व्हाट? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम, उसके साथ डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स टी। ठीक और नहीं? यस मैम। ठीक है, तो ये कौन सा इक्वेशन है बोलो? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर क्या? फ्री पार्टिकल, याद में रखो। कौन सा दिया जाएगा पता नहीं, तो ये एज ए होल ये याद इक्वेशन याद में रखो कि आई क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। और देखो इस इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई साई इक्वल टू एच साई। देखो तो कर सकते हैं, लास्ट दिन हम बताए थे ये टोटल इक्वेशन में ई साई इक्वल टू एच साई। एच को हम क्या बोले थे लास्ट दिन, हम ऑपरेटर जब डिस्कस किए थे हम बोले थे एच क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। बोलो तो इधर से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का फॉर्म क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो ऑपरेटर फॉर्म में बोलो काइनेटिक एनर्जी। ये जो राइट हैंड साइड है ना एज ए होल ये एच साई है, और ये लेफ्ट हैंड साइड एज ए होल क्या है? ई साई है। तो ई हैट ऑपरेटर कौन सा है बोलो? ये क्या है? ई हैट ऑपरेटर। और उसके बाद ये साई, तो ये सिमिलरली बोलो तो एच हैट ऑपरेटर कौन सा है इधर? एच हैट कौन सा है? माइनस ऑफ एक्स क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर एंड वी ऑफ एक्स टी। हाँ प्लस प्लस वी एक्स टी, दैट इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस एच साई इक्वल टू ई साई। रिमेंबर ऑल्सो दिस वन। ओके सो दिस इज टाइम डिपेंडेंट। देखो भी सभी के साथ टी है, टाइम को हम लिख रहे हैं टी, सिर्फ भी एक्स नहीं लिख रहे, भी एक्स टी लिख रहे। वे टाइम इंडिपेंडेंट होता तो सिर्फ भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखते, इधर टी लिखा हुआ है। सो दिस इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।
in one dimension. Then this is what for? Free particle ho to. Free particle ke liye V kitna hai? V kya hai free particle ke liye? Zero. So Schrodinger wave equation kaun sa hai? I h cross del psi by del t equal to minus h cross square by 2m del 2 by del x square saath mein psi x t. Samajh mein aaya? Ye hua free particle ke liye. Schrodinger wave equation. Okay? Abhi three dimension mein bolo. ये हुआ वन डायमेंशन में फ्री पार्टिकल इक्वेशन श्रोडिंगर. अभी थ्री डायमेंशन में बोलो क्या होगा. झट से बोलो. क्या है ये तो वन डी में हुआ. थ्री डी में बोलो माइनस ऑफ एस. इधर 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है. इधर सेम होगा. इधर आठ टी होगा सिर्फ एक्स टी के जगह पे. और इधर क्या होगा माइनस ऑफ एच क्रॉस. ये डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर चेंज होगा. क्या होगा वी ग्रेड ग्रेड स्क्वायर साई आर टी. समझ में आया. ये कौन सा डायमेंशन में है. थ्री डायमेंशन में क्या है ये. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द व्हिच पार्टिकल. फ्री पार्टिकल. ठीक है. तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गया. और अभी देखो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें लिखना है. टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसमें क्या करेंगे. सॉरी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये देखो वन डायमेंशन में लिखा हुआ है. थ्री डायमेंशन में क्या होगा बोलो. थ्री डी में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन सा होगा बोलो. I h cross del psi by del t size a function of r t. उसके बाद क्या होगा minus h cross square by 2m. उसके बाद यहाँ पर grad square psi r t plus v r t plus psi r t. ठीक है. ये हुआ क्या हुआ बोलो. टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन व्हिच डायमेंशन. थ्री डायमेंशन. समझ में आ गया. तो ये याद में रखना. ठीक है. तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वन डायमेंशन थ्री डायमेंशन फ्री पार्टिकल के लिए थ्री डायमेंशन वन डायमेंशन हो गया. समझ में आया. और एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है. श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट. अभी टाइम डिपेंडेंट पार्ट हम करा दिए. अभी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो करना है. तो देखो इसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है. तो कैलकुलेशन कैसे होता है वो हम नोट्स पे भेज देंगे. वो नहीं कर रहे. बाद में टाइम मिल जाता है क्योंकि डेरिवेशन तो ज्यादा नहीं है. तो इसीलिए थोड़ा सा हम टाइम डिपेंडेंट पार्ट बता दिए क्योंकि तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता क्या कैसे क्या हो रहा है. तो टाइम डिपेंडेंट का प्रूफ हम करा दिए. अभी टाइम इंडिपेंडेंट का प्रूफ ही करा रहे हैं. वो अभी ग्रुप में भेज देंगे नोट्स. ठीक है. पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या है ये हम डायरेक्टली लिख रहे हैं. तो वो है जो फॉर्म है टाइम डिपेंडेंट उसका फॉर्म हम लिख रहे हैं. डी टू साई साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर E minus Vx psi x equal to zero. ये है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. कौन सा डायमेंशन में है बोलो. वन डायमेंशन. देखो ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है. इधर कहीं भी तुम्हें T दिख रहा है. नो मैम. तो एक्चुअली ये होता कैसे है वो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन. पहले क्वेश्चन आता था 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था 6 मार्क्स का. जब प्रूफ टाइम पहले दिया जाता है फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि टाइम राइट डाउन द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ऐसा एक क्वेश्चन आता था 1 मार्क्स से. उसके बाद होता है प्रूफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फ्रॉम दिस.
सो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वाइब इक्वेशन कहां से स्टार्ट होता है? टाइम डिपेंडेंट से स्टार्ट होता है. टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन मतलब कौन सा इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन. ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वाइब इक्वेशन यहां से स्टार्ट करके हमें यहां तक पहुंचना होता है. यहां तक पहुंचना होता है वन डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में बोथ. बट वॉट आई हैव टू डू हियर, देखो यहाँ पर आर पार्ट भी है, टी पार्ट भी है. टी पार्ट को एलिमिनेट करके हटा दिया जाता है. सो इधर से आर पार्ट को रखा जाता है जैसे हम एक्स पार्ट को लिखे. सो यहाँ से स्टार्ट किया जाता है. उसका प्रोसीड्योर है, हम भेज देंगे तो मेरा ओन कैलकुलेशन है, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम लोग पढ़ोगे तो. तो ये प्रूव होता है कि ये कौन सा है, बोलो कौन सा इक्वेशन ये? टाइम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वाइब इक्वेशन इन विच डायमेंशन? वन डायमेंशन. अभी थ्री डायमेंशन में देख देख के बोलो तो क्या होगा, बोलते रहो मुझे. हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं. बोलो बोलो. ग्लैड स्क्वायर साई आर टी. ग्लैड स्क्वायर देन साई आर टी नहीं होगा. समझ में आया? यस मैम. टी नहीं होगा. ग्लैड स्क्वायर साई आर प्लस टू एम बाय एच क्रॉस स्क्वायर. उसके बाद E माइनस क्या होगा? भी एज अ फंक्शन ऑफ क्या होगा? आर 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 देन साई एक्स आर इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये क्या है बोलो? थ्री डी में टाइम टाइम इंडिपेंडेंट बोलो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ओके, सो दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन विच डायमेंशन? थ्री डायमेंशन. थ्री डायमेंशन. थ्री डायमेंशन. So, this is time independent Schrodinger wave equation in which dimension? Three dimension. Remember this one. Maybe very important. At jo application part of the Schrodinger wave equation, uske baad hum discuss karne jayenge. Wo kya hoga? So, this is whatever I have discussed today, time dependent Schrodinger wave equation, time independent Schrodinger wave equation in one dimension, in three dimension. And also for the Schrodinger wave equation for the free particle. So, ये दो तो बहुत ही याद करके रखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसके साथ देखो एक चीज हम लास्ट आज हम नहीं करा रहे, कल क्लास में हम करा देंगे वो एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. आज तो टाइम शॉर्ट भी है, वो होगा भी नहीं. तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आज हो गया. ठीक है, तो उसके साथ हम करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है इससे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू. ऑफ द डायनेमिकल वेरिएबल्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द डायनेमिकल वेरिएबल्स. So, whose expectation value we will find out? Expectation value of position. This is the sign. So, this is the average value. So expectation value of the dynamical variables. So expectation value means average value of the dynamical variables. Average value. So this is the symbol of the expectation value. So this is, what is this? This is expectation value of position. What is the meaning of this? This is the exp means expectation value of what?
x is the position, expectation value of position, expectation value of position. Then what is expectation value of momentum? So this is the expectation value of momentum. So px, I have taken the momentum in one dimension. So momentum in one dimension, so this is the expectation value of momentum. What is this? This one, say anyone, what is this? Expectation value of energy. Okay, expectation value of energy. So it is given, say this is expectation value of momentum square. Expectation value of momentum square. There are some formulas, so I am just writing these formulas now. So expectation value of x numerical आता है और झट से करके तुम्हें MCQ में दिया जाया जा सकता है दो marks के लिए. ठीक है, लिखो minus infinity to plus infinity psi star x at psi dx. So this is the expectation value of position. So the operator form of x you will put here. So actually you know x at equal to x, so you will directly you can write it now here. So whatever value of psi will be given. Achha, tell me, if we eliminate this x, this x at, then minus infinity to plus infinity psi star psi dx, what is the value? One, I discussed one. And I told one. So this is the normalization condition. Okay, so now here the expectation value of x you have to write. I will give you one example that will be clear for you. So actually the operator form of whose expectation value you have to find out. So here you have to find out the expectation value of x. So what you have to do? So you have to put the operator form of this x. So expect operator form of x you have to put. Understand? So if I write expectation value of momentum, then what I will write? Tell me. Minus infinity to plus infinity. What I will write? In between what I will write? Px. Px only. Px ke upar kya likhenge? Operator. X ka jo hai na, x ka jo hai, x at aur x same jaisa hai, to isiliye hum uske jagah pe x likh sakte hai. Operator nahi dale bhi to chalega, par idhar nahi chalega ye. So px hat का operator form होता है, उसके बाद क्या लिखेंगे? Psi dx. ठीक है, energy operator if I take, then what I will write? Minus infinity to plus infinity psi star, then e hat, you know I h cross del del t, this is now dx. So this is the energy operator. So expectation value of energy, understand or not? Okay, yes, or average value of energy. Now I'm giving you one example. One, देखो probability जब निकाले थे हमें एक example दिए थे. Psi equal to ax है. ये wave function exist करता है इस region में and in other regions the value of the wave function is zero. Calculate the expectation value of x for this particle. One particle is moving. The question is what? One particle is moving along the positive x direction, then one particle is moving along the positive x direction, the wave function of the particle is given as this, and this this exists in this region between 0 to 1, otherwise the value of the wave function is 0. For calculate the expectation value of x for the particle's position. So how, what formula you have to write here? First tell me what limit I will write. It was given minus infinity to plus infinity. But here what I will write? Limit? 0 to 1. Yes, 0 to 1. Because if you take less than 0, that will be 0 wave function. So no need to take that. So what I will write? Psi star. What I have to write here? First, psi what? Psi star. Psi star is what? Tell me. Psi ax. So psi equal to, because same. Is there any complex quantity here? Here? Imagine. No, ma'am. So, psi or psi star same. So, what is this? This is
साई स्टार, उसके बाद क्या होगा, एक्स का ऑपरेटर फॉर्म पुट करना होगा। हम बोले थे एक्स का ऑपरेटर फॉर्म और एक्स सेम जैसा है तो हम इसके लिए एक्स ही लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर से क्या लिखेंगे, साई लिखेंगे, ये क्या लिखे साई, उसके बाद क्या होगा डीएक्स, कैलकुलेट करो क्या होगा बोलो, 0 to 1। देखो हम क्लियर करके, a square क्या है, a square एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दे रहे हैं। इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, a square by 4। और a square कहां से आया, x cube आया, x cube dx है ना आंसर, ठीक है, x cube dx, तो क्या होगा, x to the power 4 by 4, तो a square by 4 है ना, है या नहीं है? यस मैम। ठीक है, और एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये देखो हम जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अभी हम डिस्कस किए, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इक्वेशन, इसका एप्लीकेशन होगा। मतलब एक पार्टिकल को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया है, वन डायमेंशनल एप्लीकेशन, उसमें ये प्रूफ किया जाता है वेव फंक्शन, ये हम प्रूफ किए थे, साई एक्स क्या था क्या होगा ये हम प्रूफ करेंगे कल, रूट ओवर 2 by L साइन एक्स बाई एल, ये हम किए थे, तुम लोगों को दिया हुआ था, वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है x इक्वल टू बिटवीन 0 to L, ये वेव फंक्शन को लेके सब कुछ ये प्रॉब्लम आता है, तो साई एक्स इक्वल टू 0 अदरवाइज, मानो ये वेव फंक्शन है तुम लोगों के पास दिया हुआ, ठीक है, साई के जगह पे ये दिया हुआ है साई एक्स इक्वल टू रूट ओवर 2 by L साइन पाई एक्स बाई एल, ये वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन x इक्वल टू 0 टू L के बीच में, एंड ये वेव फंक्शन का वैल्यू है 0 अदरवाइज। Now tell me, what is the value of momentum? Px का एवरेज बताओ, कैसे कैलकुलेट करोगे Px? मोमेंटम के ऊपर एक्सपेक्टेशन वैल्यू देना है, पर इसके ऊपर, ये वेव फंक्शन के ऊपर बोलो कैसे करोगे, Px का फॉर्म बताओ, बताओ, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, देन साई स्टार, पीएक्स एट का वैल्यू क्या है, पीएक्स एट का वैल्यू क्या है, एच क्रॉस बाय डेल डेल आई एच क्रॉस पी, मतलब एच क्रॉस बाय माइनस आई एच क्रॉस कर सकते हो, माइनस आई एच क्रॉस हुआ बाहर करिए, पर ऑपरेटर को हम बाहर नहीं कर सकते, उसके जगह पर क्या लिखेंगे, एल डेल डेल टी, इधर समझ में आया नहीं आया, ये समझ में आया और नहीं आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। साई स्टार, जस्ट अ मिनट,
Now, am I audible, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, this is the expectation value of PX. Now, what I will do? Now, I am just writing very short. So, what will be the limit? Tell me. What will be the limit here? 0 to L. Okay. Very good. 0 to L. Then, psi star equal to what? कोई भी इमेजिनरी क्वांटिटी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नो मैम. ठीक है. देन डेल डेल टी, देन अगेन क्या होगा? रूट ओवर 2 बाय एल साइन पाई एक्स बाय एल, देन क्या होगा बोलो? डीएक्स. समझ में आया? ओके और नो? यस मैम. ठीक है. अभी देखो तुम लोग स्टूडेंट जो पूरा गड़बड़ करता है, ठीक है. सो द मिस्टेक यू डू जनरली, यू फर्स्ट यू हैव टू ऑपरेट दिस डेल डेल टी ऑन दिस, इसके ऊपर डेल डेल टी करना होगा. सॉरी, डेल डेल टी हम क्यों लिखे हैं इसको? तुम लोग नहीं बता रहे हो, हम भी बताने वर्क कर रहे हैं. व्हाट इज दिस? डेल डेल एक्स होगा. डेल एक्स मैम. तो हम लिख रहे हैं, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो. हाँ, एलईडी ट्यूब नहीं आते मैम. हाँ बोलो मैम. मैथ्स क्लास है अभी 12 बजे से. ठीक है. yes, तुम लोग तो 5 मिनट देर से ज्वाइन कर, तो 1 मिनट रुक जाओ. तो क्या करोगे? ये होम टास्क ना करके मेरा ग्रुप में सेंड करोगे और इस आंसर लिखोगे कितना आया है. तो दो एक दो दो टॉप टास्क रहा, एक पीएक्स स्क्वायर करोगे, ठीक है, और एक पीएक्स करोगे, करके ग्रुप में सेंड करोगे. हाँ, इसके लिए आंसर इंटीग्रेशन करोगे डेल डेल एक्स के साथ, इसको ऑपरेट करोगे उसके साथ जो भी है, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करोगे. ये फिजिक्स कुछ नहीं है, ये मैथ्स है. तुम लोगों का मैथ्स क्लास है, ये भी मैथ्स है. ये एक चीज करोगे और नेक्स्ट वाला वो करोगे, करके ग्रुप में भेजोगे दोनों का आंसर. और ये इसका क्या होगा, इसके साथ माइनस आई एच क्रॉस वहां पर डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर 2 times करोगे, ऑपरेट करोगे और उसको ग्रुप में सेंड करोगे. ठीक है, तो छोड़ रहे आज, ठीक है, लीव करो.